हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन डिजिटल क्लास ऑफ एलबीए स्कूल। माय डियर फ्रेंड, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू 2.4 सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, सोर्सेस ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। नाउ लुक, द एंशियंट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री एक्सटेंड फ्रॉम द स्टोन एज टू 8th सेंचुरी सी। जो एंशियंट पीरियड है जो इंडियन हिस्ट्री का, वो एक्सटेंड है कहाँ से कहाँ तक है, टू 8th सेंचुरी सी, स्टोन एज से लेकर 8th सेंचुरी सी, यानी कॉमन एरा, हमने पढ़ा है 5th स्टैंडर्ड में। वी लर्नड अबाउट द स्टोन एज पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री थ्रू आर्कियोलॉजिकल एक्सकावेशन। हमने जो हमारी इंडियन एंशियंट हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में ऑलरेडी हमने स्टडी की है। ओके, सिंस स्क्रिप्ट्स हैड नॉट डेवलप्ड एट दैट टाइम, उस समय में कोई भी स्क्रिप्ट डेवलप्ड नहीं हो चुकी थी, अवेलेबल नहीं थी। नो रिटन सोर्सेस आर अवेलेबल, और रिटर्न सोर्सेस कोई भी अवेलेबल नहीं था। एंशियंट प्री हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड हमने देखा है 5th स्टैंडर्ड में, अगर आपको याद होगा तो। देन हाउएवर, इन्फॉर्मेशन अबाउट द एंशियंट पीरियड फ्रॉम 1500 BCE ऑनवर्ड्स कैन बी डिराइव फ्रॉम वैदिक लिटरेचर। 1500 BCE बिफोर कॉमन एरा। इन द बिगिनिंग द वेदास वेयर नॉट इन द रिटर्न फॉर्म, बिगिनिंग में या शुरुआत में जो वेदास थे वो रिटर्न फॉर्म में नहीं थे। द एंशियंट इंडियंस हैड डेवलप्ड द टेक्निक ऑफ मेमोराइजिंग एंड रिसाइटिंग देम। जो एंशियंट इंडियंस थे, जो प्राचीन समय के हमारे भारतीय जो थे, उन्होंने क्या किया, टेक्निक ऑफ मेमोराइजिंग, मतलब उसको याद करना ओरली, एंड हैड रिसाइटिंग देम, और उसका जाप करना। द वेदास वेयर रिटर्न डाउन लेटर ऑन, उसके बाद वो उसमें लिखे गए। एंड द वेदास एंड द पोस्ट वैदिक लिटरेचर फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। इट इंक्लूड्स द ब्राह्मणास, द उपनिषदास, द एपिक्स रामायण महाभारत। इसमें क्या क्या था, ब्राह्मणास थे, उसके बाद उपनिषदास थे, एपिक्स थे, रामायण महाभारत, ये बहुत बड़े महाकाव्य हैं। एंड द जैन एंड द बुद्धिस्ट लिटरेचर, प्लेज, पोएम्स, स्टोन एंड पिलर्स इंस्क्रिप्शन, ट्रैवलॉग्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, etc. वी ऑल्सो लर्न अबाउट एंशियंट इंडियन हिस्ट्री थ्रो मटेरियल। और हम अगर हमें एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की जानकारी लेनी है या स्टडी करनी है, तो ये मटेरियल के सहारे या मटेरियल के ज़रिए हम इसकी स्टडी कर सकते हैं। ओके, सोर्सेस लाइक आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, एंशियंट मोन्यूमेंट्स एंड कॉइन्स फाउंड इन एक्सकावेशन। जो एक्सकावेशन हुआ था, जो उत्खनन हुआ था, इसमें एंशियंट मोन्यूमेंट्स मिले थे, कॉइन्स मिले थे, और आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, जो सोर्सेस लाइक आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, एंशियंट मोन्यूमेंट्स एंड कॉइन्स फाउंड इन एक्सकावेशन। ओके, नाउ लुक, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, प्रीकॉशंस टू बी टेकन वाइल राइटिंग हिस्ट्री। प्रीकॉशंस मतलब क्या खबरदारी, या क्या हमें उसे पहले अलर्टनेस, प्रीकॉशंस टू बी टेकन वाइल राइटिंग हिस्ट्री, जब हिस्ट्री लिखते हैं तो उसके क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए हमने। देखो, इट इज़ नेसेसरी टू टेक प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग दिस सोर्सेज टू राइट हिस्ट्री। अगर कोई इतिहास या कोई हिस्ट्री लिख रहा है तो पहले प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है। अ रिटन डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी सेड टू बी ऑथेंटिक जस्ट बिकॉज इट इज़ ओल्ड, इट नीड्स टू बी एग्जामाइंड क्रिटिकली एज टू हु रोट इट एंड वाई एंड वेन इट वॉज रिटन। पहले आपको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अगर हमें लिखना है हिस्ट्री या इतिहास लिखना है, तो क्या करना है, हमें इसको एनालाइज़ करना है, कंपैरेटिवली एनालाइज करना है कि जो हमें जो सोर्स मिला है या जो डॉक्यूमेंट्स मिली है वो 100% सही होगी या नहीं पता नहीं, लेकिन वो किसने लिखी होगी, कब लिखी होगी, क्यों लिखी होगी, ये सवालों के जवाब मिलने के बाद हम उसे लिखना चाहिए। प्रिकॉशंस हमें पहले देखना चाहिए। द कंक्लूजन ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस जेन्यून डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी क्रॉस चेक्ड एंड कोरोबोरेटेड विथ वन अनदर। एक दूसरे से मतलब हमें क्या करना चाहिए, इसका कंपेरिजन करना चाहिए, क्रॉस चेक करने के बाद हमें वो लेना चाहिए। सच क्रिटिकल एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। और ये ऐसा क्रिटिकल एनालिसिस बहुत ज़रूरी है वाइल राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। ओके, थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, यू कैन कॉल मी। ओके माई डियर फ्रेंड, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट
chapter. Thank you.